अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ नादिया खुर्शीद और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है केमिस्ट्री का, और वो टॉपिक है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं एसिड्स को, बेसिस को, और हमने तीन थ्योरीज भी डिस्कस की हैं। आर्हेनियस थ्योरी को डिस्कस किया है, ब्रॉन्स्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, और लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को हमने डिस्कस किया है। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देख लेते हैं सॉल्ट्स का कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं हमारे पास? सॉल्ट्स जो है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमें आयनिक बॉन्ड के बारे में पता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हम क्लास 9 की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो हमें आयनिक बॉन्ड के बारे में पता होगा, तो हमें पता चलेगा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाती है, एक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरा उसको गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफ़र के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अगर हम आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास सोडियम है और हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। सोडियम 1A ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करेगा। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, सोडियम से मिलेगा। सोडियम इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस तरह से इन दोनों में क्या बन गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसीलिए जब इस पे चार्ज किया आ जाएगा पॉजिटिव। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे किसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, क्लोरीन ने, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट बात ये कि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, तो इसका चार्ज क्या है, +1 होगा। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसका चार्ज क्या होगा, -1। अब यहाँ पे देख लें कि इनके दरमियान में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। इन्होंने क्या बना लिया है, आयनिक बॉन्ड बना लिया है। और आयनिक का क्या मतलब है कि इसमें आयंस हैं, ठीक है, इसमें आयंस हैं। और आयंस क्या, कितनी तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस आप देख सकते हैं जो आयनिक बॉन्ड में बने हैं, हमें मिले हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं कि वो कैसे कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि किस तरह से बने हैं, बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड।
ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्ट्स किस तरह से बनते हैं, सॉल्ट कैसे बनते हैं। सॉल्ट बनते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किस तरह से बनते हैं सॉल्ट? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एक एसिड लेते हैं, उसका रिएक्शन हम कराएंगे बेस से, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब हम यहाँ पे एसिड में किसको लेंगे? HCl। बेस में हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड प्लस हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है एज अ रिज़ल्ट? सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये किसके बीच में होता है? एसिड के एच पॉजिटिव और बेस के OH नेगेटिव आयंस के दरमियान में होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स के हमें जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जब सॉल्ट बनेगा तो उसमें हमें क्या मिलेगा? कैट आयन भी मिलेगा और हमें क्या मिलेगा? एन आयन भी मिलेगा। कैट आयन कौन सा होता है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और एन आयन कौन सा होता है? जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये कैट आयन हमें किससे मिलेगा? ये हमें मिलेगा मेटल से, ठीक है। कैट आयन हमें किससे मिलेगा? मेटल से मिलेगा, बेस से मिलेगा। और एन आयन हमें कहाँ से मिलेगा? एसिड से मिलेगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस तरह से याद रख लें कि ए फॉर एन आयन, ए फॉर एसिड। तो एन आयन हमें कहाँ से मिलेगा? एसिड से मिलेगा। और अगर आप ए फॉर एन आयन, ए फॉर एसिड है, एन आयन हमें एसिड से मिलेगा, ए से आप ये याद रख सकते हैं। और जो इसके ऑपोजिट है कि कैटन हमें बेस से मिलेगा, अगर आप एक याद रख लेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगा। तो देख लेते हैं, हम यहाँ पे दोबारा से एक रिएक्शन लिखते हैं। HCl का NaOH के साथ और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई थी? NaCl और वाटर की फॉर्मेशन हुई थी। तो हमारे पास ये किस तरह से बना था? हमारे पास ये जो सोडियम है, ठीक है, ये हमें किधर से मिला है? ये हमारे पास आया है बेस से, क्योंकि HCl हमने क्या लिया है? एसिड लिया है। और बेस हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें जो एज अ रिज़ल्ट हमें सॉल्ट मिला है सोडियम पॉजिटिव, ये हमारे पास एक्चुअली हमें कहाँ से मिला है? बेस से मिला है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस थी। इस बेस ने हमें क्या दिया है? इस बेस ने हमें कैट आयन प्रोवाइड किया है। इसका मतलब है कि हमें कैट आयन कहाँ से मिलेगा? बेस से मिलेगा। और ये हमेशा क्या होगा? मेटल होगा। सोडियम भी क्या है? एक मेटल है। ये बात आपने याद रखनी है कि बेस हमें क्या देगा? कैट आयन देगा, ठीक है। और ये क्या होगा? मेटल होगा। अब हमारे पास एन आयन जो है, ये एन आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये एन आयन हमें कहाँ से मिला है? ये एन आयन हमें मिला है एसिड से, ठीक है। ये एन आयन हमें कहाँ से मिला है? एसिड से मिला है। तो ये बात आपने याद रखनी है
के बेस से हमें क्या मिलेगा, कैटाइन मिलेगा और वो मेटल होगा। और एसिड से हमें क्या मिलेगा, एसिड से हमें मिलेगा एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सॉल्ट हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, फॉर्म्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सॉल्ट हमेशा हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऐसी होती है जिसमें एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है इसका, ठीक है। एटम्स जिसमें एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, इन अ प्रॉपर मैनर में वो जो है अरेंज होते हैं, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि सॉल्ट हमें किस फॉर्म में मिलता है, सॉल्ट हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्या मतलब है, जिसमें एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, इन अ प्रॉपर वे जो है वो अरेंज होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सॉल्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, क्योंकि इनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के होने की वजह से, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। अगर किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो वो इसी वजह से होता है कि उनके दरमियान में मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमने उसको मेल्ट करना है तो उसको मेल्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, इस तरह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और अगर उसी को हमने बॉयल करना है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ब्रेक करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी और उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स होने की लगने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं। कहते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं इनमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। सॉल्ट्स में क्या होता है, दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने का क्या मतलब है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने का मतलब है कि इनमें क्या होते हैं, फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि सॉल्ट के फॉर्मूले के साथ केमिकली अटैच होते हैं, ठीक है। ये बात आपने फिर से ध्यान से सुनी है कि सॉल्ट्स में क्या पाया जाता है, सॉल्ट्स में होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होता है कि इनमें फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, फिक्स उनकी तादाद फिक्स होती है, फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सॉल्ट के फॉर्मूले के साथ क्या होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अटैच केमिकली विद फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। और ये क्या होते हैं, फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सबके लिए सेम नहीं होते हैं, ये फिक्स होते हैं। मैं आपको फिक्स बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या है, 5 है, कॉपर सल्फेट 5H2O। अगर हम कैल्शियम सल्फेट की एग्जांपल लेते हैं तो कैल्शियम सल्फेट के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कॉपर सल्फेट के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है तो
वो कैल्शियम सल्फेट के लिए भी 5 ही होगा। ये हर एक सॉल्ट का अपना फिक्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और ये चेंज नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ओपन करके, ठीक है, हमने किसका, इसको मैं कॉपर सल्फेट यहाँ लिख देती हूँ साइड पे, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का हम किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया कॉपर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर है, इसके साथ अटैच हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और वो किस तरह से अटैच होंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और फिफ्थ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस तरह से इस अरेंजमेंट में जो है वो क्या है, कॉपर सल्फेट का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, और ये कॉपर सल्फेट जिस तरह से नहीं लिखेंगे हम, कॉपर सल्फेट 5H2O, तो कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5 है। हम इसको इस तरह से 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉपर सल्फेट के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है, 2 है। तो कैल्शियम सल्फेट का स्ट्रक्चर भी हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कैल्शियम, दोनों का बॉन्ड, ठीक है। ये कैल्शियम सल्फेट का स्ट्रक्चर है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच होंगे अबव एंड बिलो। तो अब हमने, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि आपने ये बात नहीं भूलनी है कि आपने ये बात नहीं भूलनी है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और हर एक का अपना अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। जिस तरह से कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था 5, कैल्शियम सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 2, तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। कहते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। अब न्यूट्रल कंपाउंड होने का क्या मतलब है कि ये किस तरह से बनते हैं, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। एसिड से पॉजिटिव चार्ज आता है, एसिड से नेगेटिव चार्ज मिलेगा, बेस से पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे, जब इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। और न्यूट्रल कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है कि उसका लिटमस पेपर पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई कलर चेंजिंग नहीं होती है,
क्योंकि जब हम लिटमस पेपर एसिड पे क्या फ़र्क होता है उसका, कि वो अगर एसिड है तो लिटमस पेपर रेड हो जाता है और अगर बेस है तो लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, लेकिन अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड की बात हो रही है तो न्यूट्रल कंपाउंड के लिए लिटमस पेपर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो कहते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, उनमें कोई भी जो है वो चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल है वो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इक्वल नहीं होते हैं। सॉल्ट में कभी भी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस नहीं होते हैं। चार्जेस सेम हो सकते हैं लेकिन आयंस जो हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मींस कैट आयन एंड एन आयन, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। चार्जेस किस तरह से इक्वल हो सकते हैं उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, सोडियम से लेगा और इसके आउटरमोस्ट शेल में इसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और एज अ रिजल्ट सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम चार्जेस को देखते हैं तो हमारे पास कितने चार्जेस हैं, हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ठीक है। अगर हम कैट आयन और एन आयन की बात करते हैं तो यहाँ पे सोडियम कैट आयन और यहाँ पे एन आयन भी क्या है, एक क्लोराइड आयन है, क्लोराइड एन आयन है। कैट आयन क्या है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एन आयन वो होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास यहाँ पे कैट आयन भी एक ही मौजूद है जो कि क्या है, सोडियम है, और हमारे पास यहाँ पे एन आयन भी एक ही मौजूद है जो कि क्या है, क्लोरीन है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड को हम ओपन करके लिख लेते हैं। मैग्नीशियम ने एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ बनाया हुआ है। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको मैग्नीशियम देगा, सेकेंड इसको भी एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम इस क्लोरीन को देगा, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना है हमारे पास। और ये कौन सा बॉन्ड है, इनमें आयनिक बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बना है। अब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे एन आयन कितने, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन किसने किए, इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इस पे भी चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखेंगे -1। इस क्लोरीन ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसका चार्ज भी क्या आ जाएगा, -1। मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, लूज़ करने की वजह से इस पर चार्ज क्या आएगा,
पॉजिटिव और उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किए, इसलिए इस पर नंबरिंग क्या आ जाएगी, टू, चार्ज क्या आ जाएगा, टू। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं एन आइंस को और कैट आइंस को, तो हमारे पास एन आइन कितने हैं, हमारे पास एन आइन दो हैं, हमारे पास एक ये एन आइन है क्लोरीन और एक सेकेंड वन हमारे पास ये एन आइन है। तो बट हमारे पास जो कैट आइन है वो सिर्फ क्या है, मैग्नीशियम है। इसका मतलब है कि हमारे पास एन आइन कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास दो एन आइन्स हैं और कैट आइन हमारे पास सिर्फ एक ही है। अगर हम यहाँ पे चार्जेस को काउंट करते हैं तो हमारे पास चार्जेस मैग्नीशियम का प्लस टू चार्ज है, क्लोरीन के चार्जेस को ऐड करें तो माइनस वन इज़ इक्वल टू माइनस टू। हमारे पास चार्जेस कितने हैं, हमारे पास चार्जेस पॉजिटिव भी दो हैं और नेगेटिव भी दो हैं। इसका मतलब है कि चार्जेस इक्वल हो सकते हैं बट एन आइन और कैट आइन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो इसकी नेमिंग देख लेते हैं कि सॉल्ट को नेम किस तरह से देते हैं। यहाँ पे भी हम एक सिंपल सॉल्ट ले लेते हैं, जिस तरह NaCl अगर हम ले लें एग्जाम्पल में, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम नेम किस तरह से देखेंगे देंगे इसको, जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा किसका होता है, किसी भी मेटल आयन का होता है। तो सोडियम क्या है, फर्स्ट वन ए ग्रुप से बिलोंग करता है, ये एक मेटल आयन है, तो फर्स्ट पार्ट हमेशा किसका होगा, मेटल आयन का होगा, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो किसका होगा, हमेशा नेगेटिव पार्ट हो एसिड का जो होगा उसका होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमेशा क्या होगा, नेम ऑफ मेटल आयन, और जो सेकंड पार्ट है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा कि कौन सा एसिड यहाँ पे यूज हुआ है। पार्ट शोइंग विच एसिड वॉज यूज, तो पहला नाम हमेशा किसका होगा, मेटल आयन का होगा, और दूसरा जो है वो ऐसे वो शो करेगा कि इसमें कौन सा एसिड यूज हुआ है। तो ये बात भी हम कर लेते हैं। हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन कौन से एसिड्स हैं, अगर नेम के एंड पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सॉल्ट है, ये कोई सॉल्ट है। नाइट्रेट है अगर एंड पे, इसका मतलब है कि ये भी सॉल्ट है। अगर एंड पे सल्फेट पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये भी सॉल्ट है। और अगर एंड पे फॉस्फेट होगा तो इसका मतलब है कि ये भी एक सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट हमें किस तरह से मिलता है, अगर हमें क्लोराइड आयन की बात करते हैं तो क्लोराइड आयन हमें कैसे मिलेगा, कि अगर कोई भी बेस जब किसके साथ रिएक्ट करेगी, HCl के साथ रिएक्ट करेगी, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी बेस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रेट मिल रहा है। अगर कोई भी बेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसका मतलब है हमें क्या मिल रहा है, सल्फेट मिल रहा है। अगर कोई भी बेस फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसका मतलब है हमें क्या मिल रहा है, फॉस्फेट मिल रहा है, और हमारे पास सॉल्ट कौन सा है, फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसके साथ है, एसिड का बेस के साथ है। ये सब मैंने क्या लिखे, एसिड्स लिखे, और ये सब क्या है, सॉल्ट्स हैं, ठीक है। हमारे पास अगर एंड पे क्लोराइड आयन पाया जाएगा तो उसका मतलब है कि ये भी एक सॉल्ट है, नाइट्रेट होगा तो वो भी सॉल्ट है, सल्फेट, फॉस्फेट। तो ये सारी क्या है, ये इंडिकेशंस हैं कि अगर हमें एंड पे जो है फॉर्मूले के एंड पे ये सब हम देख रहे हैं कि क्लोराइड भी है, नाइट्रेट भी है, सल्फेट भी है और फॉस्फेट भी है, तो इस सब का मतलब है कि ये सब ये जो फार्मूला है हमारा किसका है, ये किसी सॉल्ट का है। तो अगर कोई भी बेस HCl के साथ रिएक्ट कर रही है तो हमें ये सॉल्ट क्लोराइड आइन, ठीक है, ये वाला सॉल्ट मिलेगा। अगर कोई भी बेस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो सॉल्ट नाइट्रेट है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई बेस रिएक्ट कर रही है तो सॉल्ट जो है वो सल्फेट है, और अगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ करिए तो सॉल्ट जो है वो क्या है, फॉस्फेट है। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट,
पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, यहाँ पे Na3PO4, K3PO4, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं और उनके सॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ मेकिंग सॉल्ट। हमारे पास सॉल्ट को बनाने के 5 मेथड्स हैं, ठीक है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स भी होते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी होते हैं। वो सॉल्ट्स जो हल हो जाएंगे वो सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे, और वो सॉल्ट्स जो हल नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे कि वो क्या हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। तो हमारे पास जो 5 मेथड्स हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं सॉल्ट बनाने के लिए, ठीक है, उन 5 मेथड्स में से 4 मेथड्स में हमें सॉल्युबल सॉल्ट्स मिलेगा, और उसमें से एक जो मेथड है वो क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट का। तो सबसे पहला मेथड हम देख लेते हैं, सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा, और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इस एसिड में हम क्या लेंगे, HCl की एग्जांपल लेंगे, बेस में हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सॉल्ट हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, प्लस हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। हमें पता है कि अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव की ज़रूरत है, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव की ज़रूरत है। सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना देंगे। एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना देंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हुआ है, इसकी वजह से हमारे पास फॉर्मेशन हुई है वाटर की। और बेस से जो हमें कैटायन मिला है और एसिड से जो हमें एन आयन मिला है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास फॉर्मेशन हुई है किसकी, सॉल्ट की हुई है, और उस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, सिंपल मेथड था सॉल्ट बनाने का हमें, जिससे सॉल्ट सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिला है, ठीक है। अब हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड क्या है, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड। इसमें हम एसिड ले लेते हैं, कौन सा, H2SO4। यहाँ पे हम मेटल कौन सा ले लेते हैं, कॉपर, और मेटल ऑक्साइड है तो ये क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा एज अ रिजल्ट वो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो वो कुछ यूँ होगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम किस तरह से लिखेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसकी बॉन्डिंग किससे हुई हुई है, हाइड्रोजन से,
ठीक है, इसने रिएक्ट किया किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ, डबल बॉन्ड ओ। अब क्या है कि ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। जब इनका ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है, तो एच पॉजिटिव अलग हो गया। यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, कॉपर, ठीक है, और इसकी वजह से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव अलहदा हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हुआ है जब, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो अलग हो गया, ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, एच टू। यहाँ से जो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो खींच रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, ठीक है, ये ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था हमारे पास के एसिड और मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। थर्ड मेटल मेथड सॉरी हम देख लेते हैं। हमारे पास थर्ड मेथड है एसिड प्लस मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, हमारे पास फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की प्लस हाइड्रोजन की। तो आपने याद रखना है कि जब भी कभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन ज़रूर होगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन ज़रूर होगी। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो इस ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कि ऐसे रिएक्शन क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैं। ये कैसे रिएक्शन हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से, हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल 2HCl, ओपन करके लिख दी हूँ मैं इसको, ठीक है। हमने एसिड लिया, हमारे पास यहाँ पे जो मेटल है वो कौन सा है, मैग्नीशियम है। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो सॉल्ट बना है वो क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई है, और ये हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, स्केप आउट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के पास क्या है, आउटरमोशल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के आउटरमोशल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोशल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम को देख लें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो वो क्या करती है, मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम का वो इस क्लोरीन के पास आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है, इसका और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसका और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये H2 मिलकर क्या बना देंगे, H2 गैस
जो कि यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, और हमारे पास किसकी, कौन से सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड की, MgCl2 जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो मेथड पढ़ा है इसमें क्या हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से हुआ है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है किसने, मैग्नीशियम ने, मींस के मेटल ने, मेटल ने किसको डिस्प्लेस किया है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है और सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ मेथड देख लेते हैं, जो कि वो भी सॉल्युबल मेथड है। फोर्थ मेथड में क्या होता है कि एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट किसी भी कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सा एसिड लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं HCl, हमारे पास मेटल कार्बोनेट कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड की प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। तो इससे पहले मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि अगर किसी भी फॉर्मूले के एंड पे क्लोराइड आ रहा है, क्लोराइड मौजूद है, तो इट मींस कि वो क्या है, एक सॉल्ट है। तो यहाँ पे एसिड ने जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया है तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट आएंगे, एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लास्ट जो है मेथड इसका वो हम देख लेते हैं। लास्ट मेथड इसका जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट, हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। वो किस तरह से होगी कि अगर कोई भी दो सॉल्ट हमारे पास होंगे, किसी भी दो सॉल्ट को हम लेंगे तो हमारे पास सॉल्ट प्लस सॉल्ट की फॉर्मेशन ही होगी। ये एक लेबॉरेटरी मेथड है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया कि कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। तो जब इस मेथड में क्या होगा कि दो सॉल्ट्स हमने लेने हैं एक बीकर में, ठीक है, एक कंटेनर में लेने हैं, और जब हम उन दोनों को एक कंटेनर में लेंगे तो उनका आपस में क्या होगा, रिएक्शन होगा, वो आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्ट बनेगा सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरा सॉल्ट जो बनेगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। अब बीकर में अगर जब आप बीकर को देखेंगे तो जो अगर जिस सॉल्ट के प्रेसिपिटेट्स बन गए होंगे, प्रेसिपिटेटेड जो सॉल्ट होगा, ठीक है, तो ऐसा सॉल्ट क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा, सॉल्युबल सॉल्ट होगा। तो ये क्या थे, 5 मेथड्स थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कौन से सॉल्ट लेने हैं। हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम क्लोराइड से तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर ने रिएक्ट किया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इससे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। सिल्वर ने रिएक्ट किया है क्लोराइड के साथ और नाइट्रेट ने रिएक्ट किया है सोडियम के साथ, और हमारे पास दो सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हुई है जिनमें से एक सॉल्युबल सॉल्ट है और एक क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और ये एक लेबॉरेटरी मेथड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स, ठीक है, एसिड्स की टाइप्स देख लेते हैं जो कि कितनी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। अगर हम उनको किसकी बेसिस पे देखते हैं कि उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ठीक है, तो सबसे पहली टाइप जो है वो कौन से होते हैं, मोनोबेसिक। ठीक है,
मोनोबेसिक एसिड्स कौन से होते हैं जिनमें सिर्फ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है और इसका रिएक्शन हम वही सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं। HCl का रिएक्शन जब हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम क्लोराइड की प्लस वाटर। ये सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है जिसको मेटल ने रिप्लेस किया है सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए, वो कितना है, वन, ओनली वन। इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है जिसमें मेटल ने सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है क्योंकि इसमें एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाई बेसिक एसिड्स कौन से होते हैं। डाई बेसिक एसिड्स वो होते हैं जिनमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, ये किस तरह से बनते हैं, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन की वजह से इसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और अगर इसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी तो इससे सिर्फ क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा। अब यहाँ पर दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो ये हम देख लेते हैं कि ये क्या है। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन वो होती है जिसमें या तो वीक एसिड यूज़ हो रहा है या फिर वीक बेस यूज़ हो रही है। ठीक है, एक होती है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कौन सी होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उसका रिएक्शन होता है किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से। अब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन उसमें भी होगी जिसमें दोनों ही एसिड और बेस वीक होंगे, या तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो उनका रिएक्शन होगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, या तो एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो तो वो भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। लेकिन अगर या तो वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है और या तो बेस वीक है और एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या होगी, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। तो डायबेसिक एसिड्स में हम देख लेते हैं कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से किस तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से क्या बन रहा है, सिर्फ हमें कार्बोनेट मिल रहा है। हम यहाँ पर रिएक्शन करा लेते हैं किसका, हाइड्रोजन कार्बोनेट का, H2CO3 किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमारे पास क्या बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन तो होगी हमारे पास। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की, सॉल्ट की प्लस वाटर की, क्योंकि इसके एंड पे हम देखने क्या आ रहा है, कार्बोनेट आ रहा है, और अगर किसी फॉर्मूले के एंड पे कार्बोनेट है तो इट मींस कि वो क्या है, एक सॉल्ट है। ये हमारे पास क्या हुई है, हमारे पास पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुई है। अब हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर इसमें होगी जिसमें हम टू मॉलिक्यूल्स देंगे किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या पता चला कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई है और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास क्या है, ट्राई बेसिक एसिड्स। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, ट्राई बेसिक एसिड्स। ट्राई बेसिक एसिड्स कौन से होते हैं, ट्राई बेसिक एसिड्स वो होते हैं जिनमें थ्री रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, थ्री रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की वजह से हमें कितने सॉल्ट्स मिलते हैं, हमें थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स मिलेंगे।
वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होने की वजह से हमें वन सॉल्ट मिलेगा, टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होने की वजह से हमें दो सॉल्ट्स मिलेंगे, दो तरह के सॉल्ट मिलेंगे, और थ्री रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होने की वजह से हमें थ्री सॉल्ट्स मिलेंगे, मतलब थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं किसका, फॉस्फेट H3PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट का रिएक्शन हम करवाते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की, और हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी, वाटर की। नेक्स्ट रिएक्शन हम करवाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक वीक ट्राइबेसिक एसिड है, ठीक है। यह हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बना है सॉल्ट, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, Na2HPO4, और साथ में हमारे पास बनेगा वाटर। नेक्स्ट हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास Na3PO4 सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है, प्लस हमारे पास वाटर बना है। तो देखें कि हमने यहाँ देखा कि थ्री टाइप्स ऑफ देखी हैं हमने, एसिड्स देखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होने की वजह से हमें वन टाइप ऑफ सॉल्ट मिला है, टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होने की वजह से टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट मिले हैं, और ट्राई बेसिक एसिड्स में जिसमें थ्री रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम थे उससे हमें तीन तरह के सॉल्ट मिले हैं। नेक्स्ट हम जो है वो दूसरी टाइप्स ऑफ एसिड्स देख लेते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस टाइप्स ऑफ जो सॉल्ट्स हैं, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले होता है हमारे पास एसिड सॉल्ट, ठीक है। एसिड सॉल्ट कौन सा होता है, अ सॉल्ट कंटेनिंग आ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ऐसा सॉल्ट जिसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो, या फिर उसने क्या की हो, वो फॉर्म हो बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड, और वो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड से बना हो, ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं कि ये क्या है, एसिड सॉल्ट है। या तो वो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म हुआ हो, और या तो उसमें क्या हो, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद हो, तो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं कि ये क्या है, एसिड सॉल्ट है। और एसिड सॉल्ट की हम एग्जांपल क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारे पास क्या है, एसिड सॉल्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को देखें, तो इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखें, तो इसके पास भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद है। इट मीन्स कि इनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एसिड सॉल्ट है। तो ये एग्जांपल्स हैं एसिड सॉल्ट की। तो अब ये सॉल्ट किस तरह से है, मैं दोबारा से रिमाइंड करवाऊँ कि मैंने कहा था कि जिस फॉर्मूले के एंड में कार्बोनेट आए, सल्फेट आए, इसमें भी कार्बोनेट है, फॉस्फेट आए, क्लोराइड आए, तो वो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, सॉल्ट है। नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं एसिड सॉल्ट के बाद, एसिड सॉल्ट के बाद जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। नंबर टू हमारे पास क्या है, नॉर्मल
नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? अ सॉल्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड अ नॉर्मल सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जो कि एसिड की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म हो रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो हमारे पास सॉल्ट बन रहा है, एसिड की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो हमारे पास सॉल्ट बन रहा है, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। और हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट्स की क्या एग्जांपल है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एटेक्स्ट्रा, ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल सॉल्ट्स हैं जो कि क्या बना है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैसे हुई है, अगर हम NaCl को ले लें तो ये हमारे पास किस तरह से बना है, HCl ने रिएक्ट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बना है, NaCl प्लस वाटर। इसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है, एसिड ने रिएक्ट किया है बेस के साथ और हमारे पास NaCl फॉर की फॉर्मेशन हो गई है। इस तरह से ये दोनों सॉल्ट भी बन जाएंगे। नेक्स्ट हम थर्ड टाइप देख लेते हैं, थर्ड टाइप कौन सी होती है बेसिक सॉल्ट की, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या है, अ सॉल्ट कंटेनिंग रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉली हाइड्रोक्सी बेस इज कॉल्ड अ बेसिक सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, ठीक है, वो बेसिक सॉल्ट होगा। या फिर अगर वो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बन रहा है, और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन किसकी होगी, पॉली हाइड्रोक्सी बेस की। पॉली का क्या मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी, तो पॉली हाइड्रोक्सी क्या होगा, पॉली हाइड्रोक्सी का मतलब होगा कि उसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल में हम रिएक्शन लिखते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, HCl से, हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके पास क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद था, ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी था, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस थी, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस भी मौजूद थी इसमें, और जिसकी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुई है, और OH ग्रुप तो मौजूद है जिसकी वजह से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, बेसिक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसकी पहचान है, क्योंकि बेस में, बेस की पहचान किससे होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से होती है, जिससे पता चलता है कि हमारे पास कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। एक और हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, लेड हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, हमारे पास क्या बनेगा, और किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर। इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास बेस जो है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, ठीक है, OH ग्रुप तो मौजूद है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, बेसिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट्स को, सॉल्ट जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किसके लिए यूज़ होता है, मोस्टली ये जो सॉल्ट है वो यूज़ होता है फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। अगर हमने किसी फूड को, अपने फूड को सेव करना है, ठीक है, अगर हम वो कुछ दिन बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उसको सेव करना चाहते हैं, हम उसको रखना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, तो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, ताकि वो स्पॉइल होने से बच जाए और हम उसको स्टोर, ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकें लेटर यूज़ के लिए, तो उसमें सॉल्ट हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए ये यूज़ होता है, ताकि जो है वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके फूड को फ्रॉम स्पॉइलिंग, उसको स्पॉइल होने से बचा सके और ज़्यादा देर तक हम उसको जो है वो क्या कर सके, स्टोर कर सके और लेटर यूज़ के लिए। कहते हैं कि जो एंशियंट मेथड से फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ड्राइंग फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ठीक है, तो वो भी क्या थे,
सॉल्टिंग भी थे, बॉइलिंग भी थे, एटेक्स्ट्रा थे। जो आजकल का मेथड है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स की एडिशन करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स की एडिशन से क्या होता है कि ये क्या होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के, ठीक है, जो कि फूड को स्पॉइल होने से रोकते हैं। बहुत सारे फूड्स जो हैं वो क्या होता है कि एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं और फिर उनको हमने क्या करना होता है कि ओवरसीज़ हमने उसको भेजना होता है, दूसरी कंट्रीज़ में भेजना होता है। तो इतने दूर जो है अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसको प्रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स के बगैर जो है ये फूड जो है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएंगे, ठीक है, जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो इसमें सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुछ सॉल्ट जिस तरह के सल्फाइड्स हैं, बेंजोएट्स हैं, ठीक है, ये यूज़ होते हैं फूड में बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और इनका यूज़ जो है तब से लेकर अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमने कहीं जाना है, फूड को हमने ओवरसीज़ कंट्रीज़ में भेजना है, क्योंकि हर कंट्री में हर किस्म का फूड नहीं होता है जो है वो दूसरी कंट्रीज से भी आता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए सॉल्ट इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रिजर्वेटिव्स की वजह से क्या होता है, अगर हम उसको फूड में डालेंगे तो वो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, उसको स्पॉइल होने से रोकेगा। लेकिन समटाइम्स क्या करता है कि जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो इफ़ेक्ट करता है हेल्थ को, और वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है हेल्थ को। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। कुछ प्रिजर्वेटिव्स को स्मॉल अमाउंट्स में यूज़ करें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ को अगर हम लार्जर अमाउंट में यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत टॉक्सिक होंगे। तो ये था हमारे पास सॉल्ट्स का यूज़, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ये भी बता दूं कि फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अप्रूव करने के लिए कि प्रिजर्वेटिव्स का जो यूज़ है वो सेफ हो और गलत ना हो। और गवर्नमेंट रेगुलेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दी उन्होंने फूड में प्रिजर्वेटिव्स की क्वान्टिटी ज़्यादा करने से, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फूड जो है वो प्रिजर्व तो हो जाएगा लेकिन हेल्थ जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो ये था हमारा सॉल्ट का टॉपिक, जो कि हमारे चैप्टर 10 का, क्लास 10 का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।